नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग का जो क्लास चल रहा था एवरेज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चल रहा था। आज बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है, क्योंकि आपका आज पांचवा क्लास होने वाला है। यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, तीन संख्याओं का औसत 28 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या का दोगुना हो तो तीसरी संख्या क्या है। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिले तो आपको टोटल लास्ट यानी कि अंत से आगे बढ़ना है। टोटल तीन संख्या दिया गया है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों संख्या क्या क्या है सबसे पहले पता कीजिए। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, पहला जो संख्या है दूसरा का क्या है, आधा है, लेकिन तीसरी संख्या का क्या है, दोगुना है। तीसरी संख्या का दोगुना है पहली संख्या, और पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है। अब बताइए यहाँ पे क्या, पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, पहला जो संख्या है दूसरा का आधा हो गया, ये 4x माने थे, ये 2x हो गया, तथा तीसरी संख्या का दोगुना, तो तीसरी संख्या का दोगुना हो गया हमारा पहली संख्या। अब यहाँ पे टोटल एवरेज आपको दिया गया 28, तो एवरेज हमारा टोटल कितना हो गया, कुल योग बटे कुल संख्या। एवरेज हमारा दिया गया 28 बराबर हो जाएगा हमारा 2x प्लस 4x प्लस x कितना हो गया, 7x बटे कुल संख्या टोटल 3 है। ये हमारा x का मान क्या निकल जाएगा, यहां से x का मान निकल जाएगा 7 से कैंसिल कीजिएगा, 4 बार में 7 चौक 28, और 4 × 3 = 12, x का मान 12 निकल गया। अब बताइए प्रश्न में कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, एक बार फिर से हम प्रश्न को समझाते हैं। कभी भी आपको ऐसा प्रश्न दे तो लास्ट से हम लोग देखना चालू करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि आप पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा बोल रहा है तो आप यहाँ पे x मानिएगा तो थोड़ा क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए पहली संख्या दूसरी संख्या का आधा है, लेकिन तीसरी संख्या का क्या है ये सबसे पहले ध्यान देना होगा। तीसरी संख्या का दोगुना बोल रहा है, जैसे तीसरा का दोगुना बोलेगा तो इसको x मानेंगे, ये 2x हो जाएगा, और ये इसका डबल हो जाएगा 4x, तो टोटल एवरेज हमारा दिया गया 28, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, टोटल योग हमारा 7x बटे संख्या 3 है, 7 से कैंसिल किए 4 बार में 28 कट गया, 4 को जब 3 से गुना किए 12, हमारा इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न कह रहा है पांच संख्याओं का योग 240 है, यानी पांच संख्या का योग 240 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पांच संख्या का योग आपको प्रश्न में दिया गया है 240। अब आगे कह रहा है दो संख्या का औसत 30 है, यानी पहली दो संख्या का औसत आपको 30 दिया गया है, तो यहां पे पहली दो संख्या औसत 30 दिया गया, तो दो संख्या का योग निकालिए, योग कितना होगा। यदि पहली दो संख्या का औसत आपको 30 दिया है तो योग क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 30, तो टोटल 60 हो जाएगा, योग 60 निकल गया। अब क्या कह रहा है, अंतिम दो संख्या, यहां पे अंतिम दो संख्या दिया गया है, फिर अंतिम दो संख्या का योग क्या होगा बताइए। अंतिम दो संख्या का औसत आपको 70 दिया गया, तो योग निकालने के लिए 2 × 70 कीजिएगा, तो टोटल 140 हो जाएगा। अब टोटल यदि हम चार संख्या देखें, दो संख्या और दो संख्या, पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या, टोटल चार संख्या का योग कितना हो गया हमारा, चारों संख्या का योग हमारा कितना हो जाएगा, टोटल योग हमारा निकल गया 200। कितना निकला आपका, 200 निकल गया। अब यहां पे प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरी संख्या क्या है। अब तीसरी संख्या कैसे निकलेगा आप बताइए, तीसरी संख्या कैसे निकलेगा। तीसरी संख्या निकालने के लिए पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या को जोड़ करके आप पांचवी संख्या में माइनस कर दीजिए, टोटल पांच संख्या का योग आपको 240 दिया है, और दोनों संख्या को यदि हम जोड़ के माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा संख्या निकल जाएगा, तो हम यहां पे कह सकते हैं 240, और टोटल दोनों का योग आपका 200 है, माइनस कर दिए तो आपका आंसर आ गया, तीसरी संख्या कितना निकल गया आपका 40। इस प्रश्न का आंसर आपका 40 निकल गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा,
पांच संख्या का योग 240 दिया है, टोटल पांच संख्या का योग 240 पता है आपको, लेकिन पहली दो संख्या का योग आप 60 निकालें और अंतिम दो संख्या का योग आप 140 निकालें तो टोटल चार संख्या हो गया, चार संख्या हो गया 200 और पांचवा संख्या है 240, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा तीसरा संख्या ही निकलेगा, तीसरा संख्या क्या निकल गया आपका 40, इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम प्रश्न आपको यहाँ पे दिया गया है, पांच संख्याओं का औसत आपको यहाँ पे दिया गया, वहां पे योग था, यहाँ पे औसत आपको दिया गया है, तो पांच संख्या का योग सबसे पहले आप बताइए, पांच संख्या का योग कितना होगा, योग निकालने के लिए पांच से गुना करेंगे, औसत आपको दिया गया है कितना पांच संख्या का 306.4, योग निकालने के लिए पांच से गुना कर दीजिएगा, टोटल हमारा ये हो जाएगा 5 × 20 जीरो हो जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो टोटल हो जाएगा 1532 आ गया। अब आगे क्या करा, इसमें से पहली दो संख्या का औसत, यानी कि पहली दो संख्या, पहली दो संख्या का योग कितना होगा, पहली दो संख्या का औसत आपको दिया गया है 431, तो योग हो जाएगा 2 × 431, इसको भी आप गुना कर दीजिए 862 आ गया। अब क्या करें, अंतिम दो संख्या का औसत दिया गया है, अंतिम दो संख्या का योग कितना हो जाएगा, योग आपका निकल जाएगा 2 × औसत कितना था 214.5। अब 2 से गुना कर देंगे 214.5 को तो आपका निकल जाएगा टोटल 429। अब आपको यहां पे बोला तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए अभी हम बताए थे आपको कैसे हम लोग तीसरी संख्या निकालते हैं, यहां पे पांच संख्या का योग आपको 1532 है, लेकिन पहली दो संख्या का योग 862 और अंतिम दो संख्या का योग 429 है, तो तीसरी संख्या निकालने के लिए 1532 में टोटल में हम माइनस कर देंगे क्या 862 + 429 कितना आएगा, 862 + 429 कीजिए, दोनों को जोड़कर पांचवी संख्या में माइनस कर देंगे तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा 1532 माइनस, ये दोनों को जोड़िए 862 + 429 आपका कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा आपका 1291। तो 1532 में 1291 माइनस करेंगे तो आपका 241 आ जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका 241 हो गया। एक बार फिर से प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, पांच संख्या का योग आपको निकालने के लिए प्रश्न में दिया गया था पांच संख्या का औसत 306.4, तो योग निकालने के लिए पांच से गुना कर दिए तो 1532 आ गया, लेकिन पहली दो संख्या का औसत 431 था, योग निकालने के लिए दो से गुना करेंगे, लेकिन अंतिम दो संख्या का भी औसत 214.5 था, तो योग निकालने के लिए दो से गुना किए 429 हो गया। तो अब तीसरी संख्या पता करने के लिए क्या करते हैं, टोटल पांच संख्या में पहली संख्या और अंतिम का दो संख्या, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 862 + 429 आपका आ गया 1291, 1291 को हम 1532 में माइनस किए 241 आ गया, जो कि इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है पांच संख्याओं का औसत 65 है, इसमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत दिया हुआ आपको 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 दिया गया। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आप, यदि प्रथम पांच संख्या का औसत दिया गया है 65, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा, योग निकालना होगा, तो पांच संख्या का योग कितना होगा, 5 × जितना औसत दिया गया है 5 × 65 कर दीजिए। अब क्या कर रहा है, प्रथम दो संख्या यानी प्रथम दो संख्या का, प्रथम दो संख्या का
औसत आपको दिया गया है 81, तो योग निकालने के लिए 2 गुना 81 कीजिएगा, 5 गुने 65 कीजिए, कितना हो जाएगा? 325। ये हो जाएगा हमारा 162। अब अंतिम दो संख्या का औसत आपको 38 दिया गया है, अंतिम, तो दो संख्या का योग निकालने के लिए 2 गुना 38 कर दीजिए, 76 आ गया। अब यहां पे देखिएगा, एक चीज समझिएगा आप, यहां पे यदि आपसे हम पूछे पहली संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या और पांचवी संख्या, यही 5 संख्या है, 5 संख्या में बोला प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्या, यही कह रहा है आपको। यहां पे ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का औसत 65 दिया गया है, औसत जो होता है टोटल का, बीच वाला औसत होता है हमारा 65। लेकिन अब यहां पे कहा प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्या दोनों का दिया गया है, लेकिन पूछ रहा आपको तीसरी संख्या, अब बचाइए तीसरी संख्या क्या बचा, तीसरी संख्या यही आपका बचा, यही आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, टोटल प्रथम दो संख्या और अंतिम दो संख्या का योग कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का योग कीजिए, 162 प्लस 76 करेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 238। अब 238 में हम 5 संख्या का योग माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब इसको माइनस करते हैं हम इसमें, तो हमारा कितना आ जाएगा, 325 में 238 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका आ गया। अब आपको समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, कभी भी टोटल 5 संख्या का औसत दिया हो तो, कभी भी औसत दिया होगा तो योग निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे, इसी तरह से हम किए हैं। अब टोटल 5 संख्या में प्रथम 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या का योग को जोड़ के माइनस कर दिए 5 संख्या में, तो हमारा रिजल्ट आ गया 87। इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है 13 संख्याओं का औसत आपको 68 दिया गया है, लेकिन प्रथम 7 संख्या का औसत आपको 63 है, तो अंतिम 7 संख्या का औसत भी आपको 70 दिया गया है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, 7वीं संख्या क्या है, मतलब 7वां स्थान पर कौन सा संख्या है आपको बताना है। सेम क्वेश्चन आपको दिया गया, आप इसका आंसर खुद सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल कितना दिया गया, 13। 13 संख्या का औसत 68 है, तो 13 संख्या का योग कितना हुआ, 13 गुना 68। तो यहाँ पे देखिए 13 संख्या का योग कितना हो जाएगा आपका, 13 गुना 68 कीजिएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, 884। अब प्रथम 7 संख्या का औसत आपको दिया गया है कितना, 63। तो प्रथम 7 संख्या का योग कितना होगा, 7 गुना 63 कीजिए, 441। लेकिन अंतिम 7 संख्या का भी दिया गया है औसत 70, तो योग निकालने के लिए 70 से गुना कर देंगे, 490 आ गया आपका। अब बताइए हम क्या करेंगे, हमारा 7वीं संख्या पूछा जा रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 931। अब 931 में हम 884 को माइनस कर देंगे तो हमारा 7वीं संख्या निकल जाएगा। अब इसको दोनों को माइनस कीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 47। 47 आपका रिजल्ट आ गया। टोटल कितना संख्या दिया गया था, 13 संख्या दिया गया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 संख्या दिया गया था। इसमें क्या कहा, प्रथम 7 संख्या क्या हो जाएगा, और अंतिम से 7 संख्या, देखिए
अंतिम से भी सात संख्या यही हो जाएगा। तो आपको इसमें क्या सातवीं संख्या पूछा था, सातवीं संख्या दोनों का यही आया बीच वाला, यही आपको निकालना है। तो क्या कैसे किए हम, टोटल 13 संख्या का जो योग आया उसमें प्रथम सात संख्या और अंतिम सात संख्या का योग को माइनस कर दिए, तो 931 में 884 माइनस किए तो हमारा 47 हमारा निकल गया सातवीं संख्या।